इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चूर रोल्ड गेम के बारे में। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जी, यहां पे आप लोग लाइव देख सकते हो कि यहां पे अपना जो बैलेंस है वो है लगभग 5000 रुपये, ठीक है। तो गाइस यहां पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूं। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपना इन्वेस्टमेंट में कर देता हूं। और जैसे कि यहां से मंकी आ रखा है, अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग को चेक करना है, ठीक है, कि लास्ट रिकॉर्ड में आया क्या, ठीक है। देन यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे मंकी आया, ठीक है, तो मंकी के बाद क्या आ रखा पिकॉक, पिकॉक के बाद क्या आ रखा मंकी, यानी कि रिपीट 1x1 सीरीज चल रही है। तो 1x1 सीरीज में इनमें आप मंकी पिकॉक ले लो एंड इनके कॉम्बो रैबिट्स वालों ले लो, ठीक है। रैबिट्स वालों को कभी नहीं छोड़ने, आप लोगों को इस गेम के अंदर कभी भी रैबिट्स वालों को छोड़ के नहीं चलना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है रैबिट्स वालों लिए थे और मंकी लिया था। मंकी देखो 1x1 में मैंने लिया था क्योंकि जहाँ 1x1 रहता है वहाँ रिपीट सीरीज भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई रिपीट सीरीज भी आएगी। तो मैंने यहाँ पर जो अपना इन्वेस्टमेंट था वो किया। नेक्स्ट गाइस, यहाँ से मेरा जो प्रॉफिट की बात है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट निकल गया है 5330, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट हम लोग फिर से क्या करेंगे कि रिपीट सीरीज आ गई यहाँ पे, तो रिपीट सीरीज में भी हम लोग सेम लोगों लगाएंगे। वैसे रिपीट सीरीज जब भी आए तब आप लोगों को अपोजिट साइड खेलना है। जैसे कि अगर वर्ड साइड की रिपीट सीरीज रहती है तो आप लोगों को विश साइड लगाना, और विश साइड की रहती है तो आप लोगों को दूसरी साइड लगाना, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मैंने वैसे ही किया, बट यहाँ पे हुआ क्या कि इन लोगों ने ट्रिपल मंकी कर दिया। अब देखो ट्रिपल मंकी कर दिया तो यहाँ पे अपना लॉस थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम लोग फिर से अब लगा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल अप करके मैं यहाँ पे गेम को प्ले तो कर लूँगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल दूँगा। तो यहाँ से मंकी आया, तो अब मंकी ये नेक्स्ट टाइम भी गिर सकता है, बट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ईगल को छोड़ेंगे, दूसरी साइड के सारे लोगों लेंगे। हमने मंकी को रिपीट में ले लिया और यहाँ पे पिकॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, ठीक है। तो हमने ईगल को यहाँ से छोड़ा और टोटल बैलेंस डाल दिया अपना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं लाइव आप लोगों के सामने कि यहाँ पे क्या करता है। 600 रुपये का वो डाला और पिकॉक पे मैंने बहुत ज़्यादा बैलेंस डाला क्योंकि ये पिकॉक को देने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। बट यहाँ पे 700 रुपये का मेरा पीजन डाल रखा था, तो पीजन पे मेरा बैलेंस थोड़ा कम था। तो कोई इशू नहीं है गाइस, यहाँ से पीजन आया है तो कुछ तो प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है, क्योंकि मुझे जो चांसेस लग रहे थे वो पिकॉक के थे। तो इस तरीके से आप लोग जो गेम को प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे देखो प्रॉफिट की टेंशन ना लें, प्रॉफिट तो मैं निकाल ही दूँगा। अब यहाँ पे देखो पीजन गिरा, पीजन के बाद लास्ट टाइम रिकॉर्ड चेकआउट करें, पीजन के बाद रैबिट है प्लस लॉइन है, यानी कि दोनों लोग जो हैं वो जानवर साइड के दिखाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, जानवर साइड पर ही जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ से रिपीट सीरीज को छोड़ा, पिकॉक को लिया और जानवर साइड पर चले गए, ठीक है। और शार्क को भी मैंने ले लिया 200 रुपये से शार्क और 300 रुपये से 500 रुपये से, इस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट किया। फाइनली पांडा अपना पास हो जाता है। पांडा में जो बैलेंस था वो था मेरा लगभग 500, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 1625 रुपये का प्रॉफिट निकल गया है। यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो 10,000 करने का टारगेट है। तो मैं ईजिली यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 आसानी से कर दूँगा। तो देखो यहाँ पर 7,000 लगभग बन चुका है, 3,000 मुझे अभी और करना है, यानी कि 1900। अब मैं पांडा को रिकॉर्ड में चेकआउट करूं तो पांडा यार पूरे रिकॉर्ड से गायब है। अगर ऐसा कोई लोगों आता है कि पांडा रिकॉर्ड से गायब, तो आप लॉइन ईगल पे आंखें बंद करके रख लो और पांडा को ले लो, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म बेस्ड होती है, 99% पास होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने देखो अच्छा खासा बैलेंस डाल दिया, पांडा रिपीट हो सकता है या फिर लॉइन ईगल चांसेस में हैं। बाकी रैबिट्स वालों के चांसेस भी बहुत बन जाते हैं। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, ओ भाई 700 की शार्क, मतलब कि इतना ख़तरनाक प्रॉफिट आप लोग लाइव देख सकते हो कि 13,495 रुपये यहाँ पे निकल आया, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रिस्क लिया था भाई वो बहुत ही ज़्यादा सोच के लिया था, क्योंकि ये जो बेट होती है वो 99% होती है। अब देखो 5,000 से डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कितना बना दिया, 20,000। तो यार इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं डी एंड। इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को ट्रैक बहुत कम किया जाता है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन के अंदर गेम प्ले करता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम लोग डेली करते हैं। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। देन गाइज, अगर आप लोग हमारे साथ गेम प्ले करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन को भी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो पसंद है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।